नमस्कार, मैं आशीष गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा क्रांति मंच पर। और हम हैं अपनी स्वच्छता यात्रा पर, और आज हम उसी यात्रा के अंतर्गत पहुँचे हैं माता श्री नैना देवी धाम में। और मेरे साथ हैं मेरे मार्गदर्शक सत्यन सर। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। जय माता दी। जय माता दी सर। और सो सर, जैसा कि आपको जो है यहाँ पर पता है, हम अपनी यात्रा के अंतर्गत जो है हमने यहाँ पर सांकेतिक सफाई, या सांकेतिक ना कहकर मैं उसे कहूँगा कि हमने एक सफाई भी की है यहाँ पर। और जैसे कि आप अक्सर कहते हैं कि हमें एक या हम एक यात्रा पे हैं, जीवन भी एक यात्रा है, तो यात्रा का, शुद्धता का और अध्यात्म का, इन दोनों का, इन सबका जो है कैसा रिश्ता है, और ये मनुष्य के जीवन में किस प्रकार के बदलाव ला सकते हैं। जो हम स्वच्छता के अनुगामी हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य, हमारा दृष्टिकोण बहुआयामी होना चाहिए, और बहुआयामी से हम अंतर्यामी बन जाते हैं। अंतर्यामी का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों के मन की बात जाने तो अच्छा है, लेकिन उससे पहले स्वयं की यात्रा करें, स्वयं के मन की बात भी जानें और स्वयं पर अधिकार भी करें। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्वच्छता का अनुगामी है वो बहुआयामी और अंतर्यामी है। जी बिल्कुल, हर मनुष्य अंतर्यामी है या अनुगामी है, भीतर का अनुगामी है, बहुआयामी है और अंतर्यामी है, ऐसा मेरा मानना है। तो धन्यवाद सर, आपने मेरी इस शंका का जो है समाधान किया है। और अब मैं अपने आज के इस सेशन को, इस सत्र को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि हमें अभी आगे भी अपनी यात्रा को जो है जारी रखना है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि 2047 में जब हमारी आज़ादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हम भ्रष्टता से नहीं स्वच्छता से आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे, विवाद से नहीं संवाद से, विद्रोह से नहीं आग्रह से, हम भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सत्र में एक नए आयाम के साथ और नए धाम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।